Good morning, students. How are you all? Let's start our next topic of GK, Mighty Mountains. इस चैप्टर के अंदर हम लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं. How well do you know the mountains of the world? Answer these questions to find out. इसके अंदर हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर जो माउंटेन्स हैं, अपनी अलग अलग खूबियों की वजह से जो पहचाने जाते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री विल यू फाइंड द ट्विन पीक्स ऑफ ग्रेट अरारत एंड लिटिल अरारत? द आंसर इज टर्की. इसका मतलब है टर्की के अंदर दो ट्विन्स. ट्विन्स का मतलब आप लोगों को पता है, एक जैसी शक्ल के या एक टाइप के दो, है ना, जैसे ट्विन्स बच्चे होते हैं उसी तरीके से. ऐसे कौन से दो माउंटेन हैं, कौन सी कंट्री के अंदर है, माउंटेन पीक है जो एक जैसे हैं, है ना, तो वो है टर्की के अंदर. उनका नाम क्या है? ग्रेट अरारत एंड लिटिल अरारत. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका? अफ्रीका के अंदर सबसे ऊंचा माउंटेन, सबसे ऊंची चोटी वाला माउंटेन कौन सा है? तो उसका नाम है माउंट किलीमंजारो. क्या नाम है? माउंट किलीमंजारो. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इटली एंड स्विट्ज़रलैंड इन यूरोप? यूरोप के अंदर ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो एक ऑटोमेटिकली नेचुरली एक बाउंड्री बना देती है इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच में? उसका नाम है द एल्प्स. क्या नाम है? द एल्प्स. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, नेम द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन लैंड इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन से माउंटेन की रेंज सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है? लॉन्गेस्ट मतलब जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो उसका आंसर है एंडीज. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड बाय द खैबर पास? द आंसर इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. कौन सी दो कंट्रीज़ खैबर पास के थ्रू कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. नेम द रेंज दैट रन्स पैरेलल टू द रॉकी माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज है जो, कौन सी रॉकी माउंटेन रेंज है जो पैरेलल चलती है? वो है सीरेरा नवेडा. ओके, सेवेंथ क्वेश्चन इज, विच माउंटेन रेंज एक्ट एज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन? जैसे इटली और स्विट्ज़रलैंड के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री थी, वैसे ही फ्रांस और स्पेन के बीच में नेचुरल बॉर्डर कौन सी माउंटेन रेंज का बना हुआ है? तो ये है द पियरनीस. सो क्या बोलेंगे? द पियरनीस. क्वेश्चन नंबर एट, नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन जापान दैट इज़ आल्सो एन एक्टिव वॉल्केनो. मैं आपको पहले भी वॉल्केनो के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, मोनालोआ के बारे में याद है, बस वैसे ही जापान के अंदर भी एक हाईएस्ट माउंटेन है जो अभी एक्टिव वॉल्केनो है. वो उसका नाम क्या है? वो है माउंट फुजी. माउंट फुजी. नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच माउंटेन रेंज मार्क्स द ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप? कौन सा माउंटेन रेंज है जो एशिया और यूरोप के बीच में, मतलब बहुत पुराना बाउंड्री, ट्रेडिशनल बाउंड्री कहलाया जाता है? तो उसका नाम है यूराल्स. उसका नाम क्या है? यूराल्स. ओके, टेंथ एंड लास्ट क्वेश्चन इज, द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड K2 इज़ लोकेटेड इन विच रेंज? जो हम लोगों ने K2 के बारे में पढ़ा था, आप लोगों ने थर्ड क्लास में पढ़ा है और आप लोग पढ़ते रहते हैं, जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरी दुनिया की, जिसे हम K2 बोलते हैं, वो बेसिकली कौन सी माउंटेन रेंज के ऊपर है, है ना, तो वो है कराकोरम रेंज. ओके, वो क्या है? कराकोरम रेंज. एंड द लास्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है नीचे येलो कलर की लाइन के अंदर, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ लार्ज माउंटेन रेंज अंडर द आइस शीट ऑफ एंटार्क्टिका. इट इज़ एज लार्ज एज द एल्प्स. एल्प्स के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, वैसे ही ये एक माउंटेन रेंज है जो एंटार्क्टिका में है, जो पूरी आइस शीट से, जिसके ऊपर पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई है.
ठीक है, तो ये है गैम्बर सेफ माउंटेन रेंज। ओके, क्या है? गैम्बर सेफ माउंटेन रेंज। ओके, तो चलिए हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है, हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।